गुड मॉर्निंग, वाह जिंदगी। अरे क्या हुआ, आज बहुत लो फील कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ऐसे लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। वो जो रेस है वहाँ हम हमारे साथ के लोग आगे निकल गए और हम पीछे रह गए हैं, ऐसा क्यों? चलिए आपको ना एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ, कछुआ और खरगोश की। अब जानती हूँ कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, क्योंकि भाई ये कहानी युगों युगों से कही और बताई जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसी कहानी है जो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख देती है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन देती है, जो जीवन भर आपके साथ रहता है। आप इस कहानी का ना क्लासिक रूप भी बच्चों को सुना सकते हैं, या कुछ वेरिएशन के साथ भी सुना सकते हैं, जो आपके बच्चे को सीख के लिए एक मूल्यवान पाठ साबित होंगी। चलिए, खरगोश न केवल एक सुंदर सा पशु है, बल्कि अपनी गति और चतुराई के लिए भी जाना जाता है। दूसरी ओर कछुआ काफी सरल और निश्चित रूप से जीवन के सभी पहलुओं में धीमे, स्लो स्लो। एक दिन खरगोश ने सोचा क्यों ना कछुए से दौड़ लगाई जाए। उसने कछुए से पूछा और कछुआ सहमत हो गया और दौड़ शुरू हो गई। दौड़ में खरगोश कछुए से काफ़ी आगे निकल गया, क्योंकि खरगोश जो था वो बहुत तेज था, बहुत तेज रनर था। खरगोश को अपनी तीव्रता पर, अपनी स्पीड पर बहुत घमंड था। उसने सोचा कि वह एक झपकी लेकर उठ भी जाएगा तब भी वह कछुए से जीत जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। फिनिशिंग लाइन से ठीक पहले कुछ दूरी पर ही वह पेड़ के नीचे सो गया। वह आश्वस्त था कि वह आसानी से जीत जाएगा। भले ही वह कुछ समय के लिए सो गया हो, दूसरी ओर कछुआ खरगोश की तुलना में काफ़ी धीमा, काफ़ी स्लो। हालांकि वह बिना रुके दौड़ लगाता रहा, धीरे 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 ही सही, पर कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहा और खरगोश हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक आप निश्चित और दृढ़ हैं, आप हमेशा जीतेंगे। यानी अपने आप से वो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपकी गति कुछ भी हो, आलस और घमंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, समझे? तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज तो सुनने को मिलेंगी ही, जो कि आपकी लाइफ को बहुत आसान, बहुत सरल बना देंगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप एंटरटेनमेंट, करियर, डिफेंस, ट्रैवल, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन, न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल, रीजनल, NRI न्यूज़ का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप OTT इंडिया पर बने रहें।